आप समझ लेना, ये देवी भागवत आपके पितरों को भी तार के ही छोड़ेगी, बिना तारे नहीं छोड़ सकते। व्यासाद व्यासम न व्यास प्रदत्त व्यास, जिन्होंने भागवत कथा नहीं कही व्यासपीठ पर बैठकर, जिन्होंने विष्णु पुराण, जिन्होंने शिव पुराण, जिन्होंने गणेश पुराण, नारद पुराण, गंगा पुराण, मार्तंडीय पुराण, जिन्होंने ये पुराण नहीं गाए व्यासपीठ पर बैठकर, उनके मुख से देवी भागवत की कथा सुन के भी तुम्हारे पितरों को सुख मिलने वाला नहीं है। तद भागवतम यथा व्यासम, या तो सूत जी जैसे गुरु जी हो और या व्यास जैसे गुरु जी हो, तो देवी भागवत तुम्हारे लिए काम करेगी, यहां बैठे बैठे उधर भी। पहचान जबरदस्त, और जिससे तुम्हारी पहचान है, जिसे तुमने अपना माना है, वो जबरदस्त होना चाहिए, जो वहां भी तुम्हारा काम कर दे। याद रखिए, जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो कहीं भी काम करवा देते हैं, यहां बैठे बैठे वहां काम हो जाता है बड़े लोगों से। इसलिए जबरदस्त पहचान ऐसे व्यक्ति से रखो जो यहां बैठ के वहां काम कर दे। कौन है? व्यास, विष्णु के अंश है। इसलिए उन्होंने ठोके का, क्योंकि भगवान विष्णु को स्वयं मालूम है, राजा परीक्षित मेरी गति में, मेरे चरणों में उसे गति मिल चुकी है। व्यास जी को मालूम था, फिर भी संशय, राजा जन्मजय को संशय, अपने पिता का संशय, और नारायण नागवली श्राद्ध तर्पण, ये पूजा वो शांति ये शांति, हम सब लोग पंडित जी के कहने से संशय में ही तो कर रहे हैं। संशय है क्या मालूम? पितरों का दोष हो क्या मालूम? ये हो क्या मालूम? वो हो, इसी दोष के संशय संशय में ये पूजा हो रही है। इसीलिए सारी पूजा करो मत करो मुझे नहीं पता, पर दिमाग में संशय है तो उस संशय का समाधान सत्संग है। यहां आओगे तो अब संशय रहेगा नहीं, मिट जाएगा वो। जी सोने के आभूषण में गैप आ जाए तो उसे कैसे सुनार भर देता है? हाँ जी, तुम्हारी छत में गैप आ जाए तो उसे कैसे वो सीमेंट का मिस्त्री भर देता है? हाँ, ऐसे ही तुम्हारे विचारों में गैप आ गया है तो ये सत्संग रूपी कथा तुम्हें भर देगी। ये बहुत बढ़िया मिस्त्री है देवी भागवत, ये मटेरियल, ये पदार्थ, ये विश्वत्स, इसे लगाओ। संपन्न योगम भगवते यथानाम भावेत युक्तम प्रपन्न पित्रः। किसी विद्वान के माध्यम से, कुशल डॉक्टर के द्वारा जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन बिगड़ने के चांस कम रहते हैं, और सीखने वाले डॉक्टरों के पास में ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन होने के ही चांस कम रहते हैं, बिगड़ने के ही ज्यादा रहते हैं। इसलिए याद रखो, कोई प्रवचन, कोई कथा, कोई यज्ञ कभी भी सीखने वालों से नहीं करवाना चाहिए। कारीगर कुशल चाहिए, कुशल कारीगर, डॉक्टर कुशल हो, विद्वान कुशल हो, गुरु कुशल हो, माता पिता कुशल हो, तो फिर सब संसार कुशल हो जाएगा। अज्ञान माता पिता रहे, औलाद बाबड़ी पैदा होगी, पागल पैदा होगी, निकम्मी पैदा होगी, लफंगी पैदा होगी। साधु पागल हो जाए, गुरु पागल हो जाए, तो चेला सब पागल ही समझो। सुनिए, रोड जैसे टेढ़ा होता है, गाड़ियां अपने आप उस पर टेढ़ी टेढ़ी होती चली जाती है। रोड, किसी घाट पे चढ़ो, अपने आप वो रोड गाड़ियों को टेढ़ा कर लेता है, अपने जैसा जैसा रोड है वैसी गाड़ियां हो रही हैं। जिधर रोड जा रहा है उधर ही गाड़ियां, जाना इधर और गाड़ियां जा रही इधर, क्यों? घाट है, घाट पे तो भैया वो घूम घूम के जाना है, घूम घूम के उतरना। रोड पथ मार्ग, जैसा मार्ग है वैसी यात्रा। इसीलिए मार्ग कौन बनाता है? मार्ग बनाता कौन है? तो कहा मार्ग बनाने वाले का नाम है गुरु। दृष्टा मार्ग प्रशस्त मूल, जो हमारे मार्ग दर्शन करता है, मार्ग बनाया गुरु है, उस पर चलना सक्षम हुआ भैया। इसीलिए मार्ग कैसा है जरा देख लो, मार्ग बनाने वाली कंपनियां रो बना के चली गई, अब तो मरेंगे, गिरेंगे, ठुकेंगे, अपनी गारंटी नहीं।
इसलिए बिना बिचारे सो करे सो पाछे पछता है, विचार करके काम करो। सम्यक हाले न कृत्वा च पुण्यम, जिनके पास पुण्य अच्छा है, जिन्होंने पिछले जन्मों में भी साधु संत महात्माओं के पुण्य किए, चरण छुए, दर्शन लिए, दक्षिणाएं दी हैं, विदाइयां दी हैं, प्यार किया है, उनको भैया कलयुग में भी अच्छे गुरु मिल ही जाते हैं। पर जिन्होंने पिछले जन्म में नहीं किया सेवा चाकरी, उनको गुरु गुरु कुछ नहीं मिलता। हाँ, फिर उनको यही मिलेगा उल्टा सीधा जो हो रहा है समाज में। सम्यक भावे न कृत्वम यथा नाम। व्यास जी बैठ गए राजा जन्मजय को संतुष्टि देने के लिए। जन्मजय महाराज आज संकल्प लेकर बैठे, निराहार व्रतम न प्रतान मूलम। आज उन्होंने 9 दिन तक निराहार रहने का व्रत लिया, 9 दिन तक निराहार रहने का, और अपने घर की सीमा, अपने घर की देहरी से बाहर नहीं जाएंगे, ये व्रत लिया उन्होंने। प्यारी बहनों भाइयों, जरा कथा को ध्यान से सुन लो। अपने पितरों को अगर तारना है इस पांडाल में बैठ करके देवी भागवत श्रवण करके, तो इसका नियम है कि पूरे के जब तक कथा चले तब तक आहार निराहार होना चाहिए। कितना आहार? निराहार। खाया है कि नहीं खाया यही पता नहीं चलना चाहिए पेट को, खाया है कि नहीं खाया है, इसे निराहार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भोजन करो कब? जब भजन हो जाए, यही नियम है। सुबह भी और शाम का भी यही नियम है, भजन पहले भोजन बाद में, और यही भजन है। ये कथा हो जाए फिर भोजन शाम को पेट भर के जितना करना करो, पर जब तक ये भोजन न हो जाए कथा रूपी तब तक निराहार रहें, ये पहला नियम है भैया। और आप खा पी के भी कथा सुनेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, पर वो बेचारे शराब पी के मर गए उनका नहीं होगा। ऐसा है बात, ऐसा लीवर खराब होके जो मरे उनका तो उद्धार आपको जरा छोड़ना पड़ेगा, खाना पीना त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और पृथ्वी न मेधम, धरती पे सोना पड़ेगा, खटिया बिस्तर बेड नहीं चाहिए। जिनको भी अपने पितरों का उद्धार करना है, जिनको भी पितर के दोष से मुक्त होना है, उन्हें जब तक ये कथा चले तब तक संकल्प करना है कि जमीन में सोए और सोते समय परिस्पर्श ना करें, दूसरे शरीर को ना छुए, अकेले रहें। चाहे भाई भाई सोते मत सो, अलग अलग सो, स्पर्श ना करें किसी का, विश्राम के समय स्पर्श ना करें, और कोई भी लवण पदार्थ ना खाएं, लवण्य पदार्थ ना खाएं। लवण्य पदार्थ में क्या क्या आता है समझो? खट्टा वट्टा मत खाइए, बस ये मत, अचार बचार मत खाओ, खट्टा मत खाओ, बस ये लवण्य है इसमें मत आओ। तो ये कुछ दिन के नियम है, जब तक ये कथा चल रही है तब तक का ये नियम है। पर महाराष्ट्र के पितर अलग ही नियम मानते हैं, इनको श्राद्धों में कड़ी नहीं खिलाई तो वो रूठे रहते, इनको खट्टा ही होना। और देवी भागवत कह रही है कि पितरों को शांति देनी है तो खट्टा बंद करो। हाँ, यज्ञ नारायण भगवान को खट्टा चलता नहीं है। यस्य देवी च हिरण्य पात्रम, भगवान विष्णु की गोद में जो गया उसे मोक्ष हो गया, पर मोक्ष होने के बाद में भी जब प्रलय के बाद पुनः संसार की रचना होती है तो फिर जन्म लेना पड़ता है, इसलिए मोक्ष में भी फायदा नहीं है। तो जन्मजय महाराज क्या कह रहे हैं, मेरे पिता को जगत माता जगदम्बा की गोद मिलनी चाहिए, और एक बार जो जगदम्बा की गोद में चला गया उसे फिर कभी भी जन्म लेना पड़ता नहीं है, वो अमृत हो जाता है महाराज, अमृत हो जाता है। विष्णु की गोद में जाने वाले को मोक्षगामी जन्म लेना पड़ता है। काला विवर्षम न वेद कालम, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाता है तो धरती लोक के 4 युग खत्म हो जाते हैं। 4 युग खत्म होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होगा, और ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद ही मोक्ष वालों को जन्म लेना पड़ेगा। पर जगदम्बा के पेट में जो चले गए उनका जन्म नहीं है फिर। हाँ, वो आनंद में मुक्त हो गए सारी दुनिया से। क्यों? यही रूल है, यही सूल है, और यही परंपरा है, यही निश्चय है।
आप बालक को देख लो, बालक अगर रो रहा है तो पापा कितनी भी पप्पी ले ले मीठी, पर वो चुप नहीं होगा। बुआ ले ले, ये ले ले, वो ले ले, बुआ मौसी सब ले लो, नहीं होगा। और जैसे ही अपनी जननी की, अपनी माँ की गोद में बालक गया कि उसका रोना बंद हुआ। अब पिता विष्णु मोक्ष तो दे दिया, पर अभी रोना पुनः बंद नहीं हुआ। पूरा रोना बंद कब होगा? जब वो माँ की गोद में चले जाएंगे तब होगा। कौन है वो? जगतेश्वरी यथान अम्बे, अम्बे आकाश से भी विशाल, जिसकी काया है कितने आकाश, तो का असंख्य मूल गगनो प्रयाण। एक आकाश ऊपर को मुंह करके देख लो, एक दिखता दूर से नीला नीला सा, पर वेद कहता असंख्य, जिनकी गिनती और गणना कोई गणित में नहीं कर सकता, इतने आकाश हैं ऊपर, और वो सारे आकाशों से भी बड़ी है जगदम्बा, और इसलिए उसका नाम ही जगदम्बा है। जगद अम्ब माने आकाश, जगत जगत माने सारे, सारे आकाशों से भी बड़ी है, जिसने आकाशों को भी अपने पेट में रखा हुआ है। माँ चाहे कितनी भी छोटी हो, औरत कितनी भी नाटी हो, बटकी हो, पर बच्चे से तो बड़ी होती है। हाँ, चाहे बच्चा जवान हो के अपनी माँ से लंबा चला जाए, पर उसे वो पेट में रख लेती है, इतनी छोटा बच्चा रहता है। तो पूरा ब्रह्मांड जगदम्मा के लिए छोटे बच्चे के समान है। अगर 6.5 फुट की आप और आप इतना सा बच्चा रखती हैं, तो समझ लो इतना है भगवान के आगे ये सारा ब्रह्मांड, सबको समा लेती है वो जगदम्बा। इसीलिए उस जगदम्बा की गोद में जाना है, किसको? परीक्षित महाराज को। इसलिए उनके पुत्र जन्मजय महाराज अपने घर में अनुष्ठान किए हैं जगदम्बा लक्ष्मी अम्बा यज्ञ किए, और उन्होंने देवी भागवत की कथा का अनुष्ठान रचा। सर्व पुण्यम यथागतम च सर्वे यस्य ब्राह्मण। हस्तिनापुर की रक्षा करने वाले व्यास जी ने आज प्रसन्न होकर के जन्मजय महाराज को आसन प्रदान कर दिया, और उस आसन पर बैठकर जन्मजय महाराज निदत्त बैठ गए, और निसंदेह भगवान की श्रद्धा बैठ गई चरणों में। और जैसे ही व्यास भगवान ने कथा श्रवण करवाई, तो सबसे पहले जन्मजय महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा जो सोनक आदि ऋषियों ने सुत जी को पूछा। बेग दूतम यथान कथान भवतां सर्वो पुण्य प्रसाद चम मेघो मेघो यथा मेघो सर्वम यथान समृद्धिम। हे गुरुवन, हे व्यास जी, मैं ये जानना चाहता हूं देवी भागवत की कथा सुनकर किसका कल्याण हो गया है, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि इस कथा को सुनकर मेरे पिता भी भगवती के चरणों को प्राप्त कर लेंगे और मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरे पितरों को शांति मिल जाएगी। प्यारे भाई बहनों, लक्ष्मी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, चामुंडा यज्ञ, चंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, अम्बे यज्ञ और देवी भागवत की कथा, जो भी सच्चे हृदय से कर लेते हैं अपनी पवित्र कमाई इसके नाम से लगाते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं गगनम नवेद मूलम, और जिन्हें मोक्ष हो गया है उनके पास सामग्री नहीं पहुंचा सकते आप। जो नरक में स्वर्ग में पड़े हैं उन्हें मिल सकता है कुछ भी आपका, पर जो मोक्ष में गए हैं वहां नहीं पहुंचेगा। पर तदगतम नवेद यज्ञम, अगर आपका निश्चय अच्छा है, आपका संकल्प अच्छा है, आपका विश्वास अच्छा है, तो फिर आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि आप उसी निश्चय से कथा करवाइए आपने अपने पितरों के उद्धार के लिए। याद रखो, परिवार में क्लेश हो, परिवार में अशांति हो, बच्चे नादान हो, नालायक हो, आज्ञाकारी न हो, बाप और बेटे में प्यार ना हो, माँ और बेटी में प्यार ना हो, पति और पत्नी में विश्वास ना हो, ऐसे परिवारों को विद्वानों को बुला करके यज्ञ और कथा निरंतर करते रहना चाहिए महाराज।
अरे जहां पर बाप बेटे में बोलना चालना नहीं है उस घर में नरक तो है। खाली नरक में कोई किसी से बोलता नहीं है, स्वर्ग में सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। यही फर्क है स्वर्ग और नरक का। स्वर्ग में क्या करते हैं, सब लोग एक ही थाली में, एक ही आंगन में, एक ही चूल्हे पर, एक ही मटके का पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। और नरक में क्या करते हैं, नरक में यह करते हैं कि अनेक चूल्हे, अनेक फ्रिज, अनेक कूलर, अनेक टीवी, अनेक बीबी, ये नरक में करते हैं। एक पर जिसका विश्वास नहीं वो नरक, और जिसका एक पर विश्वास है वो स्वर्ग है। एको अहम् न तत्त्ववेदम् मेघवर्णम् यथा च, भगवान कितने सत्य, कितने सत्य, धर्म कितने। जिसका एक पर भरोसा है, जो एक पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में रहता है, आनंद में रहता है। क्या करेंगे बोलो, तलाक हो गया पहले पति से, दूसरी कर ली, इससे भी हो जाए तीसरी कर ली, उससे भी हो जाए चौथी कर ली, अरे बाबा ये स्वर्ग है कि नरक है। एक बार भी तलाक हो जाए उसी समय निश्चय कर लो, अगर हमारे भाग में यह सुख होता पति पत्नी का तो एक से पूरा हो जाता, इसलिए कट। अब जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक हम अमृत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे और अगले जन्म को सफल करेंगे। अगले जन्म में जोड़ी मिलेगी तो कभी ना टूटने वाली मिलेगी, ऐसा सोच करके तप करना चाहिए, जप करना चाहिए। पर कहा जब कहा तब, 6 महीने भी तलाक को नहीं होते, उधर तलाक चल रहा है कोर्ट में, इधर शादी हो गई। इतना भी क्या नरक। अब बोलेंगे आप शादी को नरक कैसे बता रहे हैं महाराज, शादी में नरक की, शादी में सुख क्या बताओ, शादी से पहले आपने जो चीजें नहीं देखी हैं वो चीजें आप खेलो। यस्य धराम प्रपन्न मूलम, जिस मल से जिस मूत्र से हाथ लग जाए तो 3 बार डिटॉल से धोना पड़ता है, और शादी करने के बाद जिंदगी भर उन्हीं से खेलना पड़ता है, ये नरकी है। शादी के बाद जिंदगी भर उन्हीं से खेलना है, यही शादी है, और उससे ज्यादा दिमाग में और कोई शादी नहीं तुम्हारे भैया। इसलिए इसलिए रामायण में कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सर्वम यथान मूलम च गतिनाम। पवित्र हो जाओ, कल्याण कर लो, किसी देवता ने छू लिया, सूर्य नारायण आ गए, भगवान विष्णु आ गए, अरे सब सब हो जाओ ना, सौंप दो ना सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, उनको गति मालूम है, उनके कल्याण करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर ये सामान संसार में ना तुच्छ लोगों के पास में, इधर उधर 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 में जाने कहां कहां नरक में जा रहे, नरक में खोदते जा रहे गड्ढा। एक संसार अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा पूरा पक्का कर लो मन में, अगर मिल गया है परमार्थ परमात्मा तुम्हारे दिल को जीतने वाला तो परमानेंट उसके समर्पण में चले जाओ, साधु सन्यासी जो भी तुम्हें बनना पड़े बन जाओ, पर अपने लाइफ बचाओ, संसार बचाओ, और अपने यश को बचाओ, शरीर के अवयवों को बचाओ, तत्व को बचाओ, और अपनी प्रवृत्ति को बचाओ। प्यार करो ना, इकरार करो, जो तुम्हें करना है सब करो भाई। पर मे भो न वेद दर्शनम, ये नरक है भैया, चलो आगे बढ़ो नरक से, अभी स्वर्ग बहुत दूर है। जन्म जय महाराज को निश्चय रूप से ये पता चल गया कि भगवान व्यास जी के मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं वो अमृत है, उन शब्दों को श्रवण करने वाला अमृत हो जाता है, और जिनके लिए सुने जाते हैं वो भी अमृत हो जाता है। जिनके लिए हम नौकरी किसके लिए करते हैं अपने लिए करते हैं नहीं, जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक नौकरी होती है शादी के लिए, और शादी हो गई तो फिर नौकरी होती है बच्चे और बीवी के लिए।
इसके अलावा और नौकरी का कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक शादी हो नहीं रही है तब तक नौकरी किसके लिए हो रही है? शादी के लिए। शादी के लिए। शादी हो गई तो अब नौकरी किसके लिए हो रही है? बीबी और बच्चों के लिए। काम खत्म हो गया फिर समझो, बस इतना ही आपके पास में। नहीं तो उस नौकरी से दो भाई छोटे छोटे और हैं, घर में दादी है, नानी है, नाना है, बाबा है, पिताजी है, माँ जी है, इतना बड़ा परिवार है, पर उस नौकरी में से एक रुपया भी उधर जाता नहीं है। देख लो भैया, ये है नौकरी चाकरी, ये है कमाई। किसके लिए कमाई हो रही है? बस दो तीन लोगों के साथ में रिश्ता है तुम्हारा, बस दो तीन लोगों के साथ में, जिसने दूध पिलाया, जिसने मूत्र धोए, जिसने मल धोया, जिसने कपड़े धोए, उस माँ से रिश्ता खत्म। जिस पिता ने मेहनत की, मजदूरी की, पढ़ाया, फीस भरी, कर्जा निकाला, उससे भी खत्म। जिस बहन ने राखी बांधी, रक्षा की भीख मांगी, उससे भी खत्म। नाराज मत होना बहनों, क्योंकि आज अगर तुम किसी की पत्नी है तो तुम्हें ये बात अखर रही होगी, पर आगे चल के माँ बनोगी, फिर सास बनोगी, तब तुम्हें अच्छी लगेगी। वाह वाह गुरुजी, सही कह रहे, बुढ़ियों का हाल खराब ही है। आज बहू है, बीबियां है तो बुरी लगेगी। तो गुरुजी कह रहे कि जब से ये बीबियां आती है तब से ये लोग जो है सब भूल जाते, बूढ़े लोगों को खाली बीबी के हो जाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि उनके सिवाय वो कमाई का भोग कोई और करता, और उतनी सोच रहती है, उससे ज्यादा सोच नहीं रहती है। हैं? बच्चों से प्यार हो तो अपना बच्चा कैसा, काला, दांत बाहर निकल रहे, मोटे मोटे होंठ हैं, आंखें टेढ़ी टेढ़ी सी हैं, और ऐसे आया हाट बाजार में खो गया, रो रही है, मेरा गुड्डू, मेरा गुड्डू, मेरा गुड्डू। मैंने गुड्डू को पहले से ही देख रखा था, मैंने कहा गुड्डू से भी गोरे गोरे ढूंढ रहे, इनको ले ले, चाट ले, वो गुड्डू के पीछे क्यों मर रही है, बावड़े के पीछे काल। पर कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि उसका गुड्डू चाहे कितना भी खराब है, पर वो अपने बच्चे के सिवाय किसी से मोहब्बत कर सकती। दुनिया में एक से एक सुंदर बच्चे, जब बच्चों से प्यार है तो उससे कर ले, इससे कर ले, इससे कर ले, तेरा तो किसी काम का है ही नहीं। पर अपने पेट में से जो निकला है चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो, पर उससे प्यार होता है, उससे ही दुलार होता है, और सब कुछ उसके लिए होता है। हाँ, तो भैया बच्चों से प्यार नहीं है, बच्चे से प्यार है। बच्चों से प्यार हो तो भैया एक से खूबसूरत रोड पर देखो, अरे तुम जितना कमाते हो वो सुंदर सुंदर लोगों के नाम पे करते जाओ, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें लिखाओ। ये भैंस के बाबा के लिए रो रही है, मेरा गुड्डू। हाँ, गुड्डू मिल गया, अब गुड्डू मिल गया तो फिर देखो तुम, ये मंदिर वो मंदिर नारियल फोड़ रही है, गुड्डू मिल गया। ये ममता है माँ की, और इस ममता के लिए ही मैं कह रहा हूं, मिट्टी की दुर्गा पूजने से कोई मतलब नहीं है। बचपन में गुड्डू खो गया था, माँ रो रो के घर भर रही थी, और आज गुड्डू जवान हो गया, दूसरी गुड्डी लेके आ गया तो माँ को भूल गया। इसीलिए जो खो गया उसे ढूंढने की ज्यादा कोशिश मत करो, आगे निकलो, दूसरा मिलेगा। हैं? जिसको अपना मान लो वही अपना। बचपन में हम जब पैदा होते हैं तो कहां बीवी रहती है, बाद में कहीं मिल गई तो वो बीवी, उसके लिए जी रहे मर रहे, वो छोड़ के चली गई तो वो दुश्मन, अब दूसरी आई तो फिर उसके लिए मर रहे। ये जग में, ये जग में अरे दो दिन का मेला रहेगा, न सोना रहेगा न चांदी रहेगी, न संग में एक अधेला रहेगा। ये जग में दो दिन का मेला रहेगा। हाँ, अभी कैसे लग रहे, अनेक अनेक घरों से, कई कई किलोमीटर से, पूना से लोग चल के आए कथा में, और अभी थोड़ी देर के बाद में कौन कहाँ गायब हो जाएगा पता चलने वाला नहीं। अपने अपने घर की तरफ भागेंगे, कोई किसी को ढूंढने वाला नहीं है। नहीं,
कौन कहां गया, कौन कहां गया, जिसको जहां जाना जाओ, कोई किसी को नहीं पूछेगा। ये है मेला। जैसे पंडाल में है वैसे घर में भी होता है। खाली ऐसा लगे तुमको कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा ननद है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, है वही मेला। चार लोगों का भी वही मेला है, पता वहां भी चलता नहीं ये कहां जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। घर से तो गया है कहकर, घर से गया है कहकर मैं मैया 7 बजे बिल्कुल समय पर घर पहुंच जाऊंगा। हैं 7 बजे का वायदा किया, पर प्रॉब्लम ये है कि 6:15 बजे आस्था बंद हो जाएगा। 45 मिनट का कौन भरना भरेगा, बस खत्म हो जाएगा ये, ऐसा समझ लो। सर्वम यथा च मूलम गतिनाम प्रपन्न भावे सयज्ञे अम्बे। जो काम कहीं न बने वो भैया जगदम्बा के आदि शक्ति भवानी माता के चरणों में बनता है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव, देख लो माँ का पहला स्थान है, त्वमेव माता पहला स्थान है। अथर्ववेद का पहला मंत्र है स्तुता मया वर्धा वेद माता, अथर्ववेद का पहला मंत्र स्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयंताम पापमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा मृजत ब्रह्मलोक। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म, 7 चीजों को बढ़ाती है ये परमात्मा रूपी माँ। माँ क्या बढ़ाती है, आयु प्राण प्रजा पशु ये धन है सब, ये सब माँ बढ़ाती है। राम कौन बनाती है माँ, शिवाजी कौन बनाती है माँ, लव कुश कौन बनाती है महाराणा प्रताप माँ। अच्छा एक बता, ये सब माँ हो गई और ये कसाब किसने बनाया, कसाब कसाब किसने बनाया है? ये दुर्जन सिंह किसने बनाया, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह 40 साल पहले आतंकवादी मर गया समझो, किसने बनाया ये हा? मां बेटे को कायर कर दे और कर दे बेईमान, कामी क्रूरी ब्रह्मचारी और या कर दे वो बलवान। ये माँ के काम है, चोरी डकैती लुच्ची लफंगी सब माँ ही सिखा सकती है, और समाज में कहीं से ये अवगुण आते नहीं। हाँ अब इसमें कहेंगे माँ ऐसी कौन सी माँ जो खराब चीज सिखाएगी, अरे बाबा सिखाएगी नहीं, बच्चा सीख जाता पेट में पड़े पड़े ही 9 महीने में। इसीलिए भैंस बकरियों की तरह जैसे बालक पेट में आवे पति को छोड़ दो 9 महीने तो फिर ये कुछ भी नहीं बिगड़ेगा कार्यक्रम। हाँ फिर कार्यक्रम नहीं बिगड़ेगा। जितने भी जानवर हैं जैसे ही वो गर्भवती हो जाती है पशु पक्षी फिर वो संबंध दूर दूर तक नहीं रखते अपने पतियों से। अरे भैया मनुष्यों में ऐसा नहीं होता, और नहीं होता तो झेलो, फिर झेलो भैया तुम, जो जो हो रहा है घर में वो तुम देख ही रहे सब तमाशे, ये बाल छोरी ये छोरा क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं, और ये कोई समाज थोड़ी सिखा रहा है, ये सब भैया घर के खाते में से सीख सीख के बाहर आ रहे हैं, सब पेट में सीख लिया, तोता पढ़ पढ़ के तब मार्केट में आया, अनपढ़ तोता को कौन खरीदे मार्केट में, तोता पढ़ा लिखा तब आवे मार्केट में। आप चिंता मत करो, आज तो पहला ही दिन है इसलिए मैं ज्यादा नहीं टटोलता आपको, ऊपर ऊपर बाल खुजला के छोड़ दूंगा। हाँ वो नीचे तक जाएगा हाथ ज्यादा गुदगुदी हो जाएगी फिर, इसलिए ठीक आराम से चलने दीजिए, अभी बहुत समय बाकी अपने पास में। सर्वम यथा कथाणाम भूय सर्वम शांति जगतीणाम। आज मेरे प्रभु ने व्यास जी भगवान ने जन्मजय महाराज को सत्य आसन पर बिठाकर मंत्र देकर कहा ध्यान में जाओ भगवती का ध्यान करो। कैसे करें ध्यान,
नमस्तस्यै नमो नमः। हाँ, ध्यान का मतलब प्रणाम ही है। मौन करो या मुंह से करो या आंख से करो, कहीं से भी करो, खाली प्रणाम करो, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान योगम समर्थ मूल। ध्यान से क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, और विद्या से परमात्मा दिखता है। परमात्मा विद्या से आता है और विद्या ध्यान से बढ़ेगी, और ध्यान से क्या है? प्रणाम। चत्वार्थस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रणाम करने से चार चीज बढ़ती है ना, आयु, विद्या, बल, यश। और यश जिसका बढ़ गया वो भगवान है, जिसका यश बढ़ जाए वो भगवान होता है। इस दुनिया में यश ऐसे नहीं बढ़ता किसी का, भगवान जो बनेगा उसका यश बढ़ेगा। इसीलिए आयु और विद्या यशो बलम। और जिनका यश बढ़ता है उनकी आयु बढ़ती है, उनकी मृत्यु कभी नहीं है। अब राम कभी नहीं मरेंगे और रावण कभी जिंदा नहीं होगा, देख लो। अब रावण को मरने में कितने दिन बाकी है? अब 8 ही बचे दिन। अब कितने दिन बाकी है जलाने को रावण को? 30 सितंबर को स्वाहा करेंगे उसका। 12 महीने में एक बार जल रहा, 12 महीने में एक बार जल रहा। कहने का मतलब यह है, जो कुकर्म करेगा वो 12 महीने में एक बार जल रहा है, पर तुम तो पल पल जलोगे, पल पल मरोगे, रावण से भी ज्यादा मरोगे। इसीलिए ना गलत काम नहीं करना। रावण ने गलत काम कर लिए, अपयश का शिकार हो गया। यस्य धरा प्रपन्न योगम, धरती पर आए हो, ये योग मिला है, ये प्रपन्नता, ये मजबूती मिली है, हमें भाग मिला है कि हम धरती पर आकर परमात्मा की इस कृति को देख रहे हैं और हम परमात्मा के बारे में सोच पा रहे हैं, परमात्मा के लिए कुछ चिंतन कर पा रहे हैं, परमात्मा के बारे में कुछ जान पा रहे हैं। अगर हम इस धरती पर नहीं होते तो भगवान के बारे में कम या ज्यादा कुछ भी हमें समझता नहीं। इसीलिए 6 बार बोल दिया मैंने ये मंत्र, 6 बार बोला ये मंत्र मैंने लगातार 6 बार। क्यों? मैं बार बार आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, बार बार मैं आपको कहना चाहता हूं, धरती पर आए हैं ये योग है, और इस योग से ही अपने लाइफ के योग बना लो। ऐसे योग बना लो कि जहां जाओ वहां योग मिल जाए, जहां जाए वहां योग मिल जाए। अभी क्या हो रहा है? योग नहीं, योग नहीं, योग नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। पंडित जी क्या बोलते? योग नहीं है। शादी नहीं हो रही? योग नहीं है। ये नहीं हो रहा? योग नहीं है। दुकान फेल हो गई? योग। हर जगह योग बिगड़ रहा है तुम्हारा। और महाराज इंद्रदेवेश्वराक योग बनाने का प्रयत्न कर रहे तुम्हारे। कुंडली में जो योग रहते हैं ना, वो तो बकवास है, झूठ है। पर योग बनाना और बिगाड़ना ये दोनों तुम्हारे हाथ में है। सदगुरु भगवान श्री व्यास जी ने आज जन्म जय महाराज को कहा कि तुम्हारे योग बन गए। क्यों? जो भैया अपने माता पिता की मरने के बाद भी फिक्र कर रहा है, जिंदे पे भी फिक्र कर रहा है, उसके योग बने रखे। माता पिता की सेवा करने वाले का योग कभी बिगड़ता, कभी नहीं बिगड़ता है। अब आप कहेंगे किसका बन गया? द्वारिका में रहते थे लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण, द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। और याद रख लो, वो द्वारिका का नरेश, द्वारिकाधीश कृष्ण, गोपाल, यशोदा, नंद, पंडरीनाथ कैसे बन गए? पंडरीनाथ क्यों बन गया? पंडलिक की वजह से बन गया पंडरीनाथ। पंडरीनाथ क्यों बना? किसी का नाथ बोले तो पंडलिक का नाथ बना। वो क्यों बना? अपने माता पिता की सेवा में पंडलिक इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्होंने भगवान को भी छोड़ दिया। भगवान होगा अपने घर का, मेरे भगवान माता पिता। और यही पुंडलिक पहले माँ बाप को छोड़ के दुनिया में चला गया था, भूखे मरो, प्यासे मरो। फिर एक साधु मिला उसको, वो साधु ने उसे समझाया, अरे भैया तेरे माता पिता दुखी हैं, सड़ रहे, गल रहे बेचारे, और तू ये तीर्थ करते घूम रहा है, मजे लूट रहा है। तो वो साधु बाबा की बात उसे समझ गई। साधु ने कहा कि घर में जो चलते फिरते 64 तीर्थ है माता पिता के चरण, उन्हें छोड़कर तू दुनिया में जा रहा है, उस तीर्थ का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। जिस घर में माता पिता दुखी, उस घर के किसी व्यक्ति को कहीं भी तीर्थ स्वीकार करता
नहीं है। ये बात साधु की सुन के पुंडलिक लौट आए और हमेशा के लिए अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लीन हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण वहां चल के आए पुंडलिक की नगरी में, और वहीं पर भगवान ने कहा जहां माता पिता की सेवा होती है वहीं पे मेरा निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण वहीं पे निवास करने लगे और वहीं विट्ठल बन गए, वहीं परमात्मा कृष्ण पधार गए। लेओ जी, और तुम दुर्गा की मूर्ति घर में ला रहे हैं और बुढ़ी अम्मा को बाहर निकाल रहे वृद्धाश्रम की ओर। पितृ देवो भवः, हमने भगवान देखा ही नहीं। जो हमें जन्म देवे, जो हमें पाले, वो भगवान होता है। और वो माँ बाप, जन्म उन्होंने दिया, पाला उन्होंने, पोषा उन्होंने, वही भगवान। हमारा अच्छा क्या बुरा क्या वही सिखाते हैं, वही भगवान। जैसे धराम प्रपन्न योगम। प्यारे भाई बहनों, आज भगवान श्री व्यास जी बैठे आसन पर और राजा जन्म जय आसन पर विराजमान हो गए, और श्री देवी भागवत और अम्बा यज्ञ दोनों एक साथ प्रारंभ। कथा सुनने के नियम बताए गए, वो नियम मैंने आपको बता दिए। अकेले सोना, जमीन पर सोना, ज्यादा भोजन नहीं करना, और किसी से ईर्ष्या न करना, चुगली न करना, निरंतर भगवान भगवती का ध्यान करते रहना और उसी की चेष्टा में ही चलते फिरते रहना, और अपने घर की सीमा को छोड़ के दूसरे सीमा में न जाना। ये सारे नियम हैं कथा सुनने के, और इन नियमों का पालन करते हुए जो कथा सुनते हैं वो खुद का भी कल्याण करते हैं, और जिस निमित्त से जिन पितरों के लिए हमने कथा की है उन पितरों का भी हम कल्याण करते हैं। ऐसा व्यास जी ने जन्म जय महाराज को कथा सुनाते नियमों का दर्शन करवाया। यही नियम भगवान श्री सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को आदर करवाए, और वही नियम जो मैंने बताए वो मैंने आप तक पहुँचाए। अब जितने नियम भी हमसे पालन हो जाए वो हमें पालन करना चाहिए। अब भगवान व्यास जी ने कथा प्रारंभ कर दी, देवी भागवत का महत्तम सुनाया, और देवी भागवत का महत्व सुनाते सुनाते भगवान व्यास जी अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण और अनेक कृति परमात्मा जगदम्बा की श्रवण कराने लगे। राजा जन्म जय सब देवता अलंकृत हो गए, और जब देवता वहां पहुंचे तो सब देवताओं ने देखा जन्म जय महाराज कथा सुन रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी कथा सुना रहे हैं, और वहां पर भगवान श्री जन्म जय महाराज के पिता श्री परीक्षित जी भगवान श्री हरि वैकुंठ में आनंद से कथा का ध्यान कर रहे हैं, और कृत्य कृत्य होकर अपने पुत्र को आशीष दे रहे परीक्षित महाराज, मेरा पुत्र, वंश को बढ़ाने वाला मेरा पुत्र, पितरों को तारने वाला मेरा पुत्र। प्रभु न योगम प्रपन्न भागम यस्सो प्रणान गति नाम मूल व्याधि समाख्यानम योगे च धारणम। सद्गुरु भगवान व्यास जी ने, सद्गुरु भगवान सुत जी ने ऋषियों को, और व्यास जी ने राजा जन्मजय को कथा के आसन के साथ नियम दे करके आगे कथा सुनवाई, और जन्मजय महाराज ने कहा कि इस कथा को सुनकर सबसे पहले किस किस को फायदा हुआ है वो कथा भगवान आप मुझे श्रवण कराएं। बस जैसे ही प्रश्न किया किस किस को फायदा हुआ है, तो बस वो फायदे का ही कथा सुनाने के लिए व्यास जी ने उद्दिष्ट कर लिया और कहा राजन आज हम कथा को यहां विश्राम दे रहे हैं। अब देवी की कथा सुनकर किसे फायदा हुआ सबसे पहले, ये कथा सुनाने के लिए व्यास जी ने राजा जन्मजय को कहा कि अब आप ध्यान करिए, यहां कथा का विश्राम होगा क्योंकि यहां विश्राम पड़ाव आ गया है, और जहां पर भी कथा का श्रवण कराया जाएगा कथा किसको लाभ दी सबसे पहले। कल की कथा के लिए यह प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आपको भी थोड़ा सा लालच होना चाहिए कि भाई कल हम क्या सुने, तो कल हम सुनेंगे कथा के रूप में कि देवी भागवत की कथा सुन करके सबसे पहले कौन से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हुआ, तो ये कथा कल सुना के महत्तम देवी भागवत का आपके सामने आएगा। कल हम सीधे के सीधे 3 बजे कथा से जुड़ेंगे, आप जितनी जल्दी कथा में पहुंचेंगे उतनी जल्दी कथा का आनंद आप तक हम पहुंचाएंगे। आज हम यहाँ कथा को विश्राम करते और आरती के साथ में कथा का विश्राम होगा, बड़े प्रेम के साथ में आप लोगों को जाना है, और थोड़े से जल्दी आएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा सुनने को मिलेगा। अभी कई लोग अभी आए हैं, कथा बंद करने में मुझे कष्ट तो बहुत हो रहा है क्योंकि मुझे भी कथा करने में बहुत आनंद आ रहा है,
आप भी बंद नहीं चाह रहे थे, मैं समझ गया, पर कई चीजों को नियम से बांधकर चलना ही कथा है, व्यासपीठ की मर्यादाएं हैं, उन्हीं मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम कथा को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। अब हम आरती करेंगे, कल फिर कथा में आपके साथ प्रवेश करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में आप कथा में पहुंचें और कथा का आनंद लेकर अपना और अपने परिवार का, जगदम्बे भवानी का, समस्त शक्तियों का आप ग्रहण करें, अपने पितरों का उद्धार करें कथा सुनकर। ये पितरों के उद्धार हेतु ही कथा की जा रही है, आपको भी ये लाभ प्राप्त होगा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे राधे। अब मैं आरती के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आज के मुख्य यजमान श्रीमान जी विजय जी रायकर एवं श्रीमान जी सतीश जी रायकर सपत्नीक मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे, तथा विजय जी रायकर जी की माँ मीराबाई आप भी आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। आज मनुष्य की मूल समस्या ज्ञान है, उसी से भ्रम, भय, अल्पता, रोग, अशांति, अवसाद पैदा होता है।